फ्रेंड्स, दिवाली स्पेशल वीडियो में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केसरिया एप्पल मिठाई, जो बनेगी बिना मावा के, बिना काजू के, सिर्फ दो चीजों से, सिर्फ 10 मिनट में। हाँ जी, बहुत ही इजी सी मिठाई है जो यूजुअली हम मार्केट में देखते हैं, मगर ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट वीडियो के एंड में है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, केसरिया एप्पल बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 कप ऑफ शुगर, यानी कि चीनी। और जितनी आप चीनी लेंगे, जितनी शुगर लेंगे, उतना ही आपको पानी भी लेना है, नॉर्मल वाटर। मैं यहाँ पे 1/2 कप ऑफ वाटर ले रही हूँ। अभी हमें जो अपनी गैस है उसे मीडियम पे रखना है और बस इसको चलाते जाइए। हमें कोई एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इतना ध्यान रखिएगा एक स्टिकी कंसिस्टेंसी पे ये पहुंच जाए। अब हमारा जो ये चीनी और पानी का घोल है, ये देखिए यहाँ पे एक चिपचिपा सा हमें जो घोल है वो मिल गया है। बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप गैस को मीडियम कर दीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर। यहाँ पे 1.5 कप मिल्क पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर को बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप एक साथ सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे तो लम्ब्स बन सकते हैं। इसलिए स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते जाइए और ध्यान रखिएगा कि गैस एकदम स्लो हो और उसे कंटिन्यूसली स्टिर करते जाइएगा, चलाते जाइएगा, नहीं तो मिल्क पाउडर जो है हमारा वो लग जाएगा और उसमें लम्ब्स पड़ सकते हैं। ये मैंने और 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे जब मैंने पूरा 1.5 कप मिल्क पाउडर ले लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच देसी घी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो मिल्क पाउडर है वो लगेगा नहीं और बड़े आराम से वो एक डो के रूप में हमें मिल जाएगा और एक शाइन भी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने केसर की कुछ लीव्स दूध में भिगो के रखी हुई थी, उसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर, केवड़ा पाउडर या रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा मकसद ये था कि इसमें एक हल्का सा येलोइश सा कलर आ जाए जो बहुत ही सुंदर लगेगा और टेस्ट के लिए भी। अब देखिए ये हमारा जो मिल्कमेड का मिक्सचर था ये अच्छी तरह से हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए 2 मिनट छोड़ दीजिए। बट ध्यान रखिएगा पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा वार्म जब ये हो जाए, थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेके हाथ की हेल्प से उसको राउंड राउंड शेप देंगे एक एप्पल का। उसके बाद एक लॉन्ग लेके हम सेंटर में इस तरह से लगा देंगे ताकि एक एप्पल वाला लुक आ जाए, जिस तरह से एप्पल के ऊपर एक छोटा सा स्टेम होता है ना फ्रेंड्स, उसी तरह से। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हाथों की हेल्प से राउंड शेप दीजिए एप्पल की तरह थोड़ा सा, और फिर सेंटर में बीचों बीच एक लॉन्ग आप लगा दीजिए जिससे एकदम परफेक्ट एप्पल वाला लुक आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब इसके बाद आप सारे मिश्रण की छोटी छोटी सी एप्पल्स बना के रेडी कर लीजिए। ये देखिए मैंने सारे मिश्रण को एप्पल का शेप दे दिया है। अब ये देखिए हमारी मिठाई रेडी है। आप चाहें तो इसे चांदी की वरक या ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं, बट चूंकि हम यहाँ पे एप्पल मिठाई बना रहे हैं तो इसको एप्पल वाला लुक देना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए अब करते हैं फाइनल स्टेप। यहाँ पर मैं ले रही हूँ खाने वाला कलर, यानी कि एडिबल फूड कलर। आप चाहे तो लिक्विड या पाउडर्ड कलर ले सकते हैं और एक ब्रश। ब्रश की हेल्प से हमें नीचे से ऊपर की तरफ इसको रेड कलर करना है। पूरा रेड मत करिएगा फ्रेंड्स, एक नेचुरल लुक चाहिए हमें एप्पल वाला, तो इसीलिए इसके जो बॉटम पार्ट है उस पर आप इस तरह से रेड कलर चारों तरफ से लगा दीजिए। आप सारे एप्पल पर इस तरह से रेड कलर अप्लाई कर दीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और एप्पल को और भी नेचुरल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता का यूज किया है। पिस्ता को मैंने 2 slices में कट कर लिया है और एक पत्ती की तरह मैं एप्पल के साइड में लगा रही हूँ। और ये लीजिए आपके शानदार एप्पल की मिठाई, इंस्टेंटली सिर्फ 10 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो दोस्तों लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली हलवाई वाली एप्पल मिठाई, और बनाने में भी बहुत ही आसान है। हमें ये शॉप्स पे देख के कभी नहीं लगा कि इतनी आसानी से ये मिठाई घर पे भी तैयार हो सकती है। तो इस दिवाली इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।